अभी हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे, बायोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है? आत्मजीवनी या जीवनी में? आत्मजीवनी में हम खुद का जीवनी जब लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जब किसी के बारे में लिखते हैं जीवनी तो बायोग्राफी हो गया। अच्छा, जब खुद का जीवन के बारे में लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी बायोग्राफी। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, राइट ए बायोग्राफी, एक जीवनी लिखिए किसके बारे में? आप, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके बारे में। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल, अब्दुल जी का नहीं है ये ला, अबुल कलाम आजाद। कितने वर्ड में लिखना है? विद इन 100 वर्ड्स। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन मैंने इस पे आधारित, किसके ऊपर आधारित? हिंट्स, हाँ, गिवेन बिलो, नीचे दिया गया, हिंट्स के ऊपर, ये हिंट्स के ऊपर आपको लिखना है। आप यहाँ से यहाँ तक गिन के पहले देख लेना है, क्योंकि हमें 100 वर्ड में लिखना है परीक्षा के लिए, है तो है कितना, 1 2 3 4 5, तो आपको मिलेगा इसको बनाने के लिए 20 मिनट, क्योंकि 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का 10 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलना है? 10 नंबर का, हाँ, 10 मार्क्स का कितना मिलेगा? 20। विराट कोहली का आया था बायोग्राफी, ठीक है, 2 साल पहले, तो ये 10 नंबर का है, 20 मिनट मिलेगा, डबल कर देते हैं ना हम लोग। 1 नंबर का है, ये दिया रहेगा इस तरह से, आपको इसी पर लिखना है, ठीक है, इसमें अपनी मंजिल नहीं, आपको खाली वाक्य बनाना है बस। गिन लेते हैं हम लोग एक बार, तो हमारे पास 20 मिनट है, आराम से हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 हुआ ना, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 48 जो डरते हैं उनको ये पता चल जाता है, नाम भी देते हैं, 50 51 52 देख रहे हैं आप, तो ये 50% तक काम हो ही गया, 52% काम हो गया। 100 वर्ड लिखना है, 52 तो है ही, 52 है ना, अगर हम 52 को ही अच्छा सजा कर 2-4 शब्द जैसे कि ही मतलब वह है ना, ये इनके बारे में तो ही लिखेंगे ना, कि कुछ कहीं परवाज वगैरह लगे, जोर का अगर बैठा देते हैं तो 60 वर्ड कम से कम 60-70 वर्ड तो हो ही जाएगा। अब बताइए 100 वर्ड्स लिखने पर आपको मिल रहा है 10, 70 वर्ड लिखिएगा तो क्या आपको 7-8 नंबर नहीं मिल जाएगा? 100 वर्ड लिखिए 10 नंबर मिल रहा है, 70 वर्ड लिखिएगा, 50 वर्ड लिखिएगा, 5-6 नंबर तो मिलेगा ना, 5-6 नंबर तो मिलेगा, तो 5-6 नंबर तो कम नहीं होता है, 6 नंबर 60% हो गया। तो इस रोने धोने में नहीं कि नहीं आ रहा है, 60 100 कैसे होगा, कि रोकर समय खराब नहीं करना, तो अभी आपको जितना आता है उस पर ध्यान, तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे ना, ज़्यादा कुछ जोड़ेंगे नहीं, हम अपना थोड़ा सा ही वगैरह जोड़ कर वाक्य को पूरा करेंगे, हो गया। तो चलिए समझते हैं, पहले हम लोग हेडिंग देंगे, क्या देंगे? हेडिंग, तो हेडिंग क्या होगा, उनका नाम होगा, तो हेडिंग उनका नाम होगा, नाम इनका क्या है बताइए? हाँ, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हेडिंग हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक उतार देना है, पहले सबसे पहले बीचों बीच लिख लीजिए इसको, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जल्दी से लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, हेडिंग देने के बाद अब हम एक पहला वाक्य चुनना है, पहला वाक्य भी हम पूरा पढ़कर उनका परिचय चुनेंगे, हाँ इसी में से हम लोग हिंदी समझ लेते हैं। बॉर्न ऑन मतलब ये सेकंड फॉर्म है, जन्म हुआ कब? 11 नवंबर 1800
लिख रहा है 888 राजा टाजी। कंपोज्ड लिखे, क्या लिखें? पोइट्री, उर्दू में कविता लिखें। वर्कड काम किए एज ए, किस रूप में? पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट। प्रोटेस्टेड विरोध किए, किसका? ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज का विरोध किए। अच्छा आगे, एंथुसियास्टिक मने उत्साही, सपोर्टर समर्थक ऑफ गांधी जी आइडिया, गांधी जी के विचारों का ये उत्साहवर्धक सपोर्टर थे। ठीक है, फुलावर अनुवाई। रोड मेनी बुक्स, कई किताब लिखे, जैसे लाइक जैसे इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, गुब्बारे खाती इटीसी इत्यादि। फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री थे। हो गया। बर्थडे सेलिब्रेटेड, इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो डाइट गुजर गए, कब गुजरे? 22 फरवरी 1958। गया, आज से लगभग कितना साल पहले? 1958 का बात हो रहा है, अभी चल रहा है 2021। ठीक है, 20 साल इधर हुआ, 50 साल लगभग 70 साल पहले। गया, तो चलिए जन्म का बात करें आप, तो आज से लगभग कितना साल पहले? 1800 है, 90 ही पकड़ लेते हैं, तभी बहुत साल हो गया। चलिए खैर, तो यहाँ पर परिचय हम लेंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का परिचय सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है। फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। हो गया, यहाँ पर परिचय आप दीजिएगा, ये तो आप हेडिंग दे दिए हैं, उसके बाद लिखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज, क्या लिखेंगे इसमें जोड़ेंगे हम लोग? वाज जोड़ कर ये पूरा उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सुनूंगा क्या, फिर से बोलिए एक बार, मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज इंडिया, फुल स्टॉप हो गया। अच्छा देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बाकी आप इसमें जो रहेंगे पेंसिल लेकर भी लिख सकते हैं या उतार कर पेंसिल से लिख सकते हैं। कौन जन्म हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे? ई वाज बॉर्न, क्या जोड़ेंगे? ई वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ, पूरा स्टॉप लगा देंगे। समझ में आ गया, ये बात जोड़ लिए, सिर्फ ये बात जोड़ लिए, ये बात हो गया। अब इसमें कंपोज्ड, कंपोज्ड में क्या लिखेंगे? ठीक है, सेकंड फॉर्म है ना, तो ही लिख देंगे, खाली ही जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? ही कंपोज पोएट्री इन उर्दू, हो गया पूरा, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर यहाँ बताइए तो क्या लगेगा? फिर यहाँ ही लगेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो है। ही वर्क एज ए जर्नलिस्ट, बस यहाँ फुल स्टॉप, फिर क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप हो गया। देखो फिर विरोध किए, प्रोटेस्टेड, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम? फिर ही लिखेंगे, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश राज, हो गया। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए ये सेकंड फॉर्म तो नहीं है ना, इसलिए ही वाज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही वाज, यहाँ हो जाएगा ये तो एंथुसियास्टिक, ही वाज एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ गांधी जी आइडियाज, हो गया फुल स्टॉप। फिर देखो रोड है ना सेकंड फॉर्म, तब क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, ही रोड मेनी बुक्स, मतलब बहुत सारी किताबें लिखी, और था ये दो चीज का उपयोग होता है। सेकंड फॉर्म अर्थ देखिए, देखो ही वह थे उत्साही सपोर्टर थे, ऐसे अंदाज नहीं लगा सकते हम, पढ़ पढ़ के ही लगा रहे हैं, वाक्य बना रहा हूँ। ही रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? मेनी बुक्स। अब ये जो बीच का कॉमा देख रहे हो ना, जो भी है इसको हटा देंगे, वाक्य पूरा होगा। ही रोट मेनी बुक्स लाइक इंडिया विंस फ्रीडम कॉमा गुबर ए खातिर ETC फुल स्टॉप, याद रखना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा समझ आ गया। उसके बाद ये तो लिख चुके हैं, लिख चुके हैं ना हम लोग, ये नहीं लिखेंगे, ये लिख चुके हैं, हटा दे रहा हूँ। फिर बर्थडे, तो उनका बर्थडे यहाँ लिखेंगे हीज बर्थडे, हीज बर्थडे,
या ही इज लिखेंगे खाली, हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड, यहाँ सेलिब्रेट के बीच में लिखना पड़ेगा हिज बर्थडे वाज, क्या लिखेंगे हिज बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, उसका बर्थडे को मनाया जाता, हाँ वाज सॉरी गलत हो जाएगा, मनाया जाता था नहीं, मनाया जाता है इज, हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, उनका बर्थडे को उनका जन्मदिन को मनाया जाता है, इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे फुल स्टॉप, समझ में आ गया, वाज नहीं सेकंड फॉर्म था है, ही डाइड ऑन 22 फरवरी 1998, हो गया समझे। अब एक्स्ट्रा जो लगाया हो उसको अगर हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह बार लगाए हैं, हाँ ठीक है 12, 13, 14, 15, 16 अगर हम वहाँ पर टोटल 52 था, चलिए हम 20 से पकड़ लेते हैं तो या 18 ही पकड़ लीजिए तो भी कितना हो गया 70 हुआ ना, 70 का लगभग हो गया, ये इस तरह से आप शुरुआत करिए पहले अच्छा से, एक भी गलत नहीं होगा लेकिन इसमें पूरा का पूरा सही होगा, और क्या सर जी सुनिए ना जैसे तो हाँ वो पहला परिचय दे देंगे उसके बाद उसमें सब जोड़ देंगे, ये तो लिख दिए हो गया, हो जाएगा बहुत अच्छा कर लीजिएगा, हाँ।